लुक एट दिस, ये देखिए ये देखने में कितना मजेदार। ज्यादा मीर है तो हाफ के जी कर लीजिए, वैसे मैं 8 से 10 लोग भुगतान देती हूँ इसी 1.5 पाउंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तहमीना अजीज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल किचन में तहमीना। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है सिंपलेस्ट सूप, ठीक है, जो झटपट मतलब अभी आपका बैठे बैठे दिल किया है बिल्कुल विद इन 15 मिनट्स आपके सामने हो, टेस्ट है इसका लाजवाब। तो चलिए बगैर टाइम जाए के बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। और पीपल, इसके लिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने तकरीबन 6 से 7 ग्लास ले लिया है पानी, ठीक है जी। अब इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ ये तकरीबन 1.5 पाव जो है वो चिकन है, आप इसको शामिल करिए, ठीक है जी। अगर आप ज़्यादा अमीर हैं तो हाफ के जी कर लीजिए, ठीक है, मैं 8 से 10 लोग भुगतान देती हूँ इसी 1.5 पाव में। अच्छा खैर, अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ, आप देखिए, नमक तकरीबन ये 1 टीस्पून है, ठीक है जी, क्योंकि ये सिंपलेस्ट चिकन मतलब जो थर्ड फॉर्म है सिंपल की, सिंपलेस्ट ये सूप है, एफर्टलेस है लेकिन टेस्ट में बड़ा ज़बरदस्त है, तो इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड नहीं होंगी, ठीक है। इसको कवर कर दीजिए और इसको मीडियम फ्लेम में तकरीबन 10 मिनट तक के लिए आप पकने के लिए छोड़ दें, 10 से 15 मिनट लगा लीजिए। और पीपल, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह जी। अब ये देखिए फ्लेम मैंने बंद कर दिया, स्टेनर की मदद से ये सारा जो चिकन है इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अच्छा जी, अब दोबारा से आप कर लीजिए फ्लेम मीडियम, चिकन को मैंने ठंडा करके श्रेड कर लिया जो कि सारी दुनिया को करना आता है, अब इसमें श्रेड किया हुआ चिकन शामिल कर दीजिए। अच्छा जी, अब इसमें कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर दीजिए या पाउडर आप शामिल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, मैं कुटी हुई भी शामिल कर लेती हूँ, पाउडर भी शामिल कर दीजिए, जो मेरा दिल करता है मैं करती हूँ क्योंकि मैं मर्जी की मालिक हूँ। अच्छा क्या, ये देखिए बिल्कुल ये 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल किया, ठीक है, ये भी आप अपनी स्पाइस के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। शामिल कर दीजिए 2 टेबल स्पून विनीगर, 2 टेबल स्पून चला जाएगा सोया सॉस, 2 से 3 टेबल स्पून कर लीजिए आप चिली सॉस। अच्छा जी, अब इसमें ये देखिए 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर था और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको इस तरह से लिक्विड बना लिया है, इसको आहिस्ता आहिस्ता आप शामिल करिए और साथ साथ इसको आप हिलाते जाएं चमचा, फ्लेम मीडियम ही है, एकदम से कॉर्नफ्लोर को शामिल मत करिएगा वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। अच्छा, सीन ऐसा है मेरी बहनों और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों कि आप या तो चाहें तो कॉर्नफ्लोर पहले डाल सकते हैं उसके बाद ये विनीगर सोया सॉस शामिल कर सकते हैं या फिर आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं लेकिन। अच्छा जी, अब ये मेरे पास है अंडे की 2 अदद सफ़ेद ये हैं जर्दी, मैंने सेपरेट कर लिए, इसको शामिल करिए, सॉस चमचा हिलाते जाइए। माय गुडनेस पीपल, जस्ट लुक एट दिस, कितना ज़बरदस्त सा सिंपल सूप जो है बिल्कुल तैयार है। इसको मैं कर देती हूँ बंद और इसको मैं ज़बरदस्त तरीके से कर लेती हूँ डिश आउट। सो पीपल, जस्ट लुक एट दिस, ये देखिए ये देखने में कितना मज़ेदार दिलकश और हसीन लग रहा है, ये बहुत फ्लेवरफुल है। तो आप ऐसा करिए, फिर बेफिक्र होके इसको बना रहे हैं अल्लाह का नाम लेके, महंगाई के दौर में बना लें और मेरी इस रेसिपी को अपनी खाला पुप्पो चाची नाना दादी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।